सिद्धू की हवेली सिद्धू का फार्म लैके पहुंचा एक नौजवान जिथे रोजाना ही सिद्धू के प्रशंसक उसके परिवार को उसकी याद नाल जोड़िया रखने लई वक्खो वक्खरे समान कह सकते हैं लैके पहुँचते हैं जिन्हों बनाउण दे विच उन्हां दी काफ़ी मेहनत लगती है। तो उस तरह संगरूर तो एक नौजवान जिसका नाम अर्शदीप है वह सिद्धू फार्म बना के सिद्धू के घर लैके पहुँचा जिस दे उपर सिद्धू फार्म उसने अपना पिंड का नाम भी लिखा चूलड़ कलां संगरूर अते 911 जो रैकर्ड्स नवी कंपनी सिद्धू मूसेवाला ने बनाई सी 911 ट्रैक्टर भी इस दे विच खड़ा कीता ते जिस टाली का जिक्र सिद्धू अपने गीत दे विच करके गया भी टाली वाले खेत विच सिवा जट दा बड़ूगा ते उत्थे पूरी जिहड़ी है लोकेशन देख सकदे हो भी उस नौजवान ने लक्कड़ नाल फॉर्म नाल वक्खो वक्खरियां चीज़ां एकत्र करके जिस नूं 20 दिनां दे विच इकट्ठा कीता ते उस तों बाद तैयार किया। एक कही जिहड़ी तुसीं देख रहे हो ये कही इस नौजवान वालों इस फार्म दे विच नहीं रखी गई सी। ये कही सिद्धू मूसेवाला की माता ने जदों देखिया भी इस मॉडल दे विच कुछ कमी नज़र आ रही है तो उन्होंने अंदरों कही लिया के इस मॉडल दे विच रखी। तो देख सकते हो ये नौजवान जदों हवेली दे विच पहुंचया पहला इसनों आउण नहीं दिता जांदा सी पर जदों इसने दस्या कि यह हवेली बना के आप फार्म बना के लैके पहुंचया तो इसनों सिक्योरिटी गार्ड माता नाल मिलाउण लई अंदर लै जांदे ने। तां तस्वीर तुसी देख रहे हो नौजवान खुद अपने हाथ दे विच उस सिद्धू फार्म जिस दे विच ट्रैक्टर ते टाली ते हो फार्म जिसनू सिद्धू बहुत प्यार करता सी जिथे सिद्धू अक्सर लाइव होके गल्लां करता सी। ये वीडियो दे विच देख सकते हो जदों ये ट्रैक्टर इस नौजवान ने सिद्धू मूसेवाला दे परिवार दे सामने रखिया तां पिता ने पुछया भी तुसी कित्थों आए हो तां उस मुंडे ने दस्या भी ये नौजवान संगरूर तों आया है। तां देखिया भी ये फार्म हूबहू उस फार्म की तरह उस नौजवान ने बनाया। उसने ये भी दस्या कि वह तो लोहे दियां चीज़ां नाल बनाउणा चाहुंदा सी पर दो तीन वार लोहे दियां पत्तियां हत्थां विच बजण नाल उसने यह लक्कड़ दा बनाउणा सोचिया पर माता दियां अक्खां दे विच आए हंझू साफ साफ नज़र आ रहे ने भी जदों एक माँ नूं उसदे पुत नाल जुड़ियां चीज़ां उसदे प्रशंसक भेंट करदे ने तां हालात की हुंदे ने। यह हालात बहुत ज़्यादा भावुक ने। उस माता दे हंझू भी रुक नहीं रहे जिसने भरी जवानी दे विच अपने पुत नूं खो दिता जिसका एक जवान पुत घर तो तुर गया ते उसके प्रशंसक उसके लिए उही चीज़ां लैके पहुँच रहे ने जिन्हां नूं सिद्धू प्यार करता सी। माता बहुत ज़्यादा भावुक हुई ते माता ने यह भी कहा कि यह तुहाडे प्यार करके ही असी जिउंदे हाँ नहीं तो असी कदों दे मर जाणा सी क्योंकि सिद्धू अक्सर यही गल्लां करता सी कि मेरे फैन तुहाडा सहारा बणगे ते उही गल होई है भी सिद्धू के जाण तो बाद सिद्धू के फैन ही सिद्धू के माता पिता का सहारा बने हुए ने। ये फार्म का मॉडल देख सकते हो 911 हूबहू उही 911 लग रहा है जिहड़ा सिद्धू ने तैयार किया। इस नौजवान ने भी दस्या कि एक 911 तो सिद्धू की समाध ते उसकी यादगार को लग्या होया है तो ये 911 वह इसलिए बना के लेके आया है क्योंकि सिद्धू के कोल दो 911 सी एक पुराना ते एक उसने नवा मॉडिफाई करवाया सी ते ए नौजवान नवा मॉडिफाई कराया 911 बना के पहुँचया सी ते उस दे विच उसने खाल भी बनाया मोटर भी बनाई उस तरह हूबहू जिस तरीके का सिद्धू फार्म देखने को मिलता है ते ट्रैक्टर दे अगे वह भी लिखा है कोई होर जिस तरीके नाल सिद्धू दे 911 दे उपर भी यह शब्द लिखे हुए सी। पर पिता ने जदों उस दे विच चलदे गीत सुने तो सिद्धू का गीत जदों इस ट्रैक्टर के बजाया तो अखा के हंझू आ गए अखा नम हो गई तो याद आ गई पुत की क्योंकि दिन रात कढ़ना औखा होंदा है जदों पुत चला जाता है जिस पुत नाल वह दिन रात गल्लां करते अज उन्हां नाल गल्लां करन वाला कोई नहीं उसनों बड़ा याद करते ने पर प्रशंसकां वालों दिते प्यार नूं लैके परिवार खुश भी बहुत हुंदा है कि इन्ना ज़्यादा प्यार सिद्धू छोटी उम्र के खट गया तो
साढ़े लई जो सहारा बन के साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े ने। हुण सुनाउने आ तुहानूं नौजवान दा की है कहना। सब तो पहला भी सब प्यार भरी सब नूं सति श्री अकाल जी। असीं इक मॉडल तैयार कीता ते अपने सिद्धू भरा वास्ते एक आ ट्रैक्टर ते आ उहनां दा फार्म हाउस इक तैयार कीता जी। ये असीं लक्कड़ दा तैयार करिया जी सारे ए टू जैड जी। मेन एक ट्रिब्यूट ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਮੀਨ ਅਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਪੰਚ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਮਗਰ ਆਰਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੀਨ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।